जय हिंद वंदे मातरम साथियों, दिस इज बिक्की मिश्रा एंड यू वाचिंग बिक्की मिश्रा एजुकेशनल। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मध्यकालीन इतिहास है और मोहम्मद गोरी के बारे में हम लोग ये जानने वाले हैं कि क्या वाकई मोहम्मद गोरी के आगमन के पीछे जयचंद का हाथ था, क्या इस्लाम धर्म जो इतना फला फूला इसमें जयचंद का हाथ था या सिर्फ एक बेबुनियादी बात है। तो सभी चीजों पे हम लोग देखेंगे कि इसका जन्म कब हुआ, कहाँ का रहने वाला था, क्यों भारत आया, भारत आने के पीछे रीजन क्या है, तराई के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और चंदवार के युद्ध, सभी युद्धों पे उसके द्वारा लड़ी गई और उसके गुलाम कौन कौन थे, क्या क्या किए और भारत में जितने भी मंदिर मस्जिद मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाए गए हैं, क्या ये वाकई जयचंद का इसमें हाथ था या नहीं था, तमाम चीजों पे चर्चा हम एक एक करके जानने वाले हैं इसी वीडियो के अंतर्गत। ये तमाम सवाल जो आपके मन में अब तक चल रहा है, ये कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है, क्योंकि इतिहास अगर देखा जाए तो एक तरह से हमारे अतीत से हमारा परिचय कराता है कि हमारा अतीत कैसा था, हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे रहन सहन प्राचीन काल में कैसे थे और अभी वर्तमान में कैसे हैं। तो इन सभी चीजों पे एक एक करके हम इससे पहले की चर्चा करें। तो साथी मित्रों, कहना ये चाहते हैं कि अगर चैनल पे मुझे पहली बार देख रहे हो, पहली बार सुन रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर लेना। तो चलिए पहले कहानी शुरू करते हैं मोहम्मद गोरी से। तो मोहम्मद गोरी का बाबू जो पूरा नाम होता है ना, यहाँ से कहानी शुरू होता है। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, जिसके पिता का नाम, अगर जन्म की बात करें तो 1149 में इनका जन्म हुआ और इनके पिता का नाम था बहालुद्दीन शाम प्रथम। लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा कहानी को हम रिवर्स में लेके चलना चाहेंगे और मैंने पहले ही वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी मोहम्मद गजनवी पे, जिन्होंने भारत पे 17 बार सफलतापूर्वक आक्रमण किया। लुटेरा था, चोर था, चूहार था, जो भारत आया था भारत को लूट के ले गया और उसी में से उसी के गुलाम एक और था गोरी। और गजनी एक साम्राज्य था, बड़ा साम्राज्य था, और गजनी के साम्राज्य में छोटा सा प्रांत मतलब राज्य कही जाएगी गोर था, और उस गोर प्रांत का जो शासक मतलब ये वर्तमान में जो गजनबियों से ये मुक्त होकर के गुलाम था, गजनबियों से मुक्त होकर के लगभग 43 में वहां का एक शासक कौन थे, थोड़ा मिस कर रहे हैं हम, शासक जिसने भी था वो राज किया और 62 में वो लगभग 62 तक 1143 से लेकर 1162 तक वहां का शासन किया। और वहां के शासन करने के बाद शिहाबुद्दीन और ग्यासुद्दीन ये दो भाई थे, शिहाबुद्दीन और ग्यासुद्दीन दो भाई थे, इन दोनों को कैद कर दिया गोर में ही। कैद कर देने के बाद 62 में जब इसकी मृत्यु हो गई, किसे, जहांसोज, हाँ याद आ गया, अभी बोले थे कि याद है, जहांसोज था, जहांसोज जिसका चाचा था शिहाबुद्दीन का और ग्यासुद्दीन, शिहाबुद्दीन ग्यासुद्दीन दोनों भाई थे और ग्यासुद्दीन बड़े थे, शिहाबुद्दीन छोटे थे। शिहाबुद्दीन मतलब मोहम्मद गोरी, ध्यान में रखिएगा, शिहाबुद्दीन बोले तो यहाँ पे कौन है, मोहम्मद गोरी है, और ग्यासुद्दीन इसका बड़ा भाई था। दोनों को कैद कर दिया था जहांसोज ने, और जहांसोज कैद कर दिया लेकिन उसका बेटा इसको दोनों को कैद से मुक्त कर दिया, और कैद से मुक्त कर देने के बाद जब इसकी मृत्यु हो गई तो जिसने कैद से मुक्त किया उसी को मार करके ये लोग गोरी के साम्राज्य राजा, इसकी मृत्यु के बाद ये ग्यासुद्दीन वहां का शासक बना और उसका मुख्य सेनापति के रूप में शिहाबुद्दीन उसका सेनापति का काम करने लगा। अर्थात मतलब राजा कोई और, राजा थे ग्यासुद्दीन और उसके संरक्षक उनका, मतलब कुल मिलाकर सारा का सारा पाठ पुर्जा देखने वाला, जो भी साम्राज्य का विस्तारवादी नीति थी वो गोरी देखा करता था, और गोरी लगभग उनका सेनापति कब से कब तक रहा, तो 2 तक रहा, कब तक रहा, 1202 तक रहा। और 1202 में जब ग्यासुद्दीन की मृत्यु हो गई तब शिहाबुद्दीन गोर प्रांत का शासक बन गया। लेकिन ये जब ग्यासुद्दीन का सेनापति था, अर्थात बड़े भाई का जब ये सेनापति था, तब ये आक्रमण 2 बार भारत पे कर चुका था। एक बार 1174 में मुल्तान पे किया था, दूसरा पाटन मतलब गुजरात, आज वर्तमान में पाटन कहाँ है, गुजरात है, 1178 में किया था, जिसे भीम द्वितीय ने बुरी तरह पराजित कर दिया, लतिया के भेजा दिया, इसको बाहर फेंक दिया। ये तो हुई इसकी बात, और रही बात कि ये इसका भाई ग्यासुद्दीन कब से कब तक इसका सेनापति बना रहा था, ये 73 में ये शासक बना था जब वो जहांसोज की मृत्यु हो गई थी तब, और ये जब ये स्वतंत्र शासक बना शिहाबुद्दीन अर्थात मोहम्मद गोरी, तो ये 2 से लेकर के 1206 तक ये शासक रहा गोर प्रांत का। लेकिन ये 1202 जो लिखा है ना, 1202 से पहले इसका भारत का जितने भी आक्रमण है ना, ये 1202 के पहले है,
12 से 2 के बाद ये भारत पे आक्रमण करने नहीं आया था, बल्कि भारत को लूटने आया था। जो ये अपना साम्राज्य विस्तार कर चुका था वो सारा का सारा धान लूट लूट कर लेके जा रहा था। एक बार में 4000 ऊंट से और 3000 हाथी से सामान लाद के लेके जा रहा था, क्योंकि उस समय हवाई जहाज बाबू नहीं हुआ करते थे, ट्रक नहीं हुआ करते थे, इन्हीं सब जानवरों पर लोड करके लेके जाया जाता था। ठीक है, तो अब गोरी के प्रमुख युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं कि उसने प्रमुख युद्ध कब लड़ा, क्यों लड़ा। तो पहला युद्ध जो उसने लड़ा, एक चौहान राजवंश का बहुत ही प्रतापी और सुयोग्य कर्मठ और लगभग लगभग लड़ाकू पृथ्वीराज चौहान नाम का एक व्यक्ति था, जिसने तराई के प्रथम युद्ध में भाग लिया और 1191 में और गोरी को ना सिर्फ हराया बल्कि भारत से भी भगाया और कुछ भी फुटी आना तक का सामान नहीं ले जाने दिया। लेकिन एक उसी समय के शासक जो लगभग लगभग गढ़वाल राजवंश के शासक जयचंद का नाम आपने सुना होगा, शुरू में ही मैंने चर्चा किया था कि क्या जयचंद वाकई गोरी को आमंत्रित किया था, तो नहीं किया था, क्योंकि इसको सिंध प्रांत के रहने वाले दो राजकुमारों ने आमंत्रित किया था, जयचंद ने नहीं किया था। चैलेंज करते हैं किसी भी इतिहास का पन्ना उलट के देख लो कि जयचंद गोरी को आमंत्रित नहीं किया था, बल्कि जयचंद को लोभ था दिल्ली का शासक बनना, इसीलिए पृथ्वीराज चौहान का ये मदद नहीं किया। क्योंकि उस समय जब गोरी आक्रमण किया था तराई का, अर्थात प्रथम जब युद्ध हो रहा था, जब गोरी उससे पहले भी आक्रमण किया था, तो हिंदू राजा मात्र वन एंड ओनली एक ही प्रतापी उस समय राजा था जिसका नाम था जयचंद। उसके पास ऐसे बताया जाता है कि 1000 हाथी सैनिक था, 1500 घुड़सवार थे और 3 लाख के आसपास पैदल सैनिक थे, मतलब कुल मिलाकर बाहुबली शक्तिशाली था। उस समय अगर ये पृथ्वीराज चौहान मदद जो मांगा था, अगर मदद दे दिया होता तो गोरी दोबारा नहीं आता। लेकिन ये गोरी का आगमन इसके साथ इसलिए जोड़ दिया जाता है क्योंकि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच जमती नहीं थी, दोनों में कटुरता था और ये जयचंद ये चाहता था कि पृथ्वीराज चौहान हमें मिल जाए शादी विवाह या चाहे जिस भी रिलेशन से ये जुड़े, लेकिन जुड़े रहे और दिल्ली की तरफ आंख न उठाए, दिल्ली पे हमारा नजरें गड़ी हुई है। क्योंकि ये कनौज, सुने ही होंगे, यूपी बिहार का चीज है ये कनौज और गढ़वाल राजवंश का ये शासक था जयचंद। लेकिन जयचंद की भी इतिहास क्या लाजवाब और पुरानी है, जिस तरह से इसको हराया गया मारा गया था, ये भी छोड़ा नहीं था, ये भी काफ़ी मशक्कत किया और जितने भी इस्लामिक जगह ये गोरी वोरी जीत कर गया था उन सभी चीज़ों को, जितने मस्जिद वो बनवा कर गया था सभी मस्जिद को ढवा करके फिर से मंदिर बनवाने वाला वन एंड ओनली जयचंद था। तो जयचंद के बारे में सबसे ज़्यादा उंगली उठाने वाले लोग, भले उसका इतिहास भी उठा के देखो इतिहास क्या कहता है, तो जयचंद इतने बुरे भी आदमी नहीं थे। हाँ, एक जगह गलती किए थे जयचंद साहब ने, उन्होंने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान का मदद नहीं किया था। अगर मदद कर देता तो ये गोरी मारा जाता। और देखो पृथ्वीराज चौहान ने भी यहाँ पे एक गलती किया, जब ये द्वितीय पानीपत का तराई का जब द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में हुआ, तराई में ही हुआ, तब गोरी वहां पे अपने पूरे साम्राज्य और देख करके बाहुबल के साथ आया था, जबकि चौहान साहब ने मूर्खता का परिचय दिया था और ये सोच लिए थे कि गोरी फिर से उतना ही अपने सेना के साथ आएगा, उतना ही पावर के साथ आएगा। ये गलत था सोचना इनका, और जितने भी सामंत साम्राज्य के लोग थे, हिंदू शासक राजा थे, उनसे ये मदद लेना पसंद नहीं किया था पृथ्वीराज चौहान का, गलती ये है। लेकिन एक आदमी से इसने राय जरूर मांगा था, एक आदमी से मदद मांगा था, उसका नाम था जयचंद। लेकिन जयचंद ने साफ शब्दों में इनकार किया था कि मैं तुम्हारा मदद नहीं करूंगा, तेरा प्रॉब्लम है, खुद सॉर्ट आउट कर ले, जिसका खमियाजा जयचंद को भी भुगतना पड़ा। आगे उसी से युद्ध हुआ है 94 में, देख लो चंदवार का युद्ध 94 में क्या हुआ, चंदवार का युद्ध। ऐसे भी ट्रिक से याद रखना कि चंदवार का युद्ध 94 में हुआ था, गोरी और किसके बीच में हुआ था, जयचंद के बीच में हुआ था। लेकिन गोरी ने नहीं मारा था, बल्कि इसका विश्वसनीय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये सफेद हाथी पे बैठा था, कौन, जयचंद, सफेद हाथी पे, ऐसे 300 हाथियों को सेना लेकर के एक बार में चलता था और सफेद हाथी पे ऐसे मोच पे ताल देकर के ऐसे बैठे हुआ था, तब तक मारा इसे तीर तान के नीचे ही से मार दिया और इसका आंखें उड़ा दिया। किसका, जयचंद का, कौन उड़ा दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी आंखें उड़ा दिया वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ फाइनल, कोई उसमें बचने की कोई लॉजिक नहीं रहा और स्वाहा हो गए, वहीं पे इनकी कहानी खत्म हो गया। लेकिन उससे पहले जयचंद से भी काफी बार इसको मशक्कत हुई है जितना आगे, और यही देखो 94 में ये हारा और यूपी बिहार में जितने भी मंदिर थे उसको अपने एक विश्वसनीय गुलामे कहेंगे, क्योंकि ये तो नपुंसक वंशहीन था, ये औलादहीन था, इसके कोई वंशजे वंशे नहीं था, ये निर्वंशी था, कौन, गोरिया। और फिर भी देखो इसका वंश इतना नाजायज औलाद आज घूम रहे हैं, खैर बुरा मत मानना, सब गलत बोल दिए हैं।
इसका नजायज औलाद नहीं कहलाएगा। तो ये बख्तियार खिलजी इसी का एक गुलाम था, खरीदा हुआ गुलाम। और गुलाम क्यों खरीदा जाता था? मामूलक भी इसको कहा जाता था। गुलाम को क्या कहा जाता था? मामूलक भी। इतिहासकार ऐसे भी बोलते हैं। तो ये बख्तियार खिलजी था। जैसे ही जयचंद को मारा, यूपी बिहार में जितने भी ले लो, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जितने भी है विश्वविद्यालय भारत में, मंदिर बिहार यूपी में, वो सभी मंदिरों को तोड़ा, वहां से सामान लूट करके ले करके फरार हो गया। और जहां भी आया अपना नाम का सिक्का चला दिया, या तो कहीं का नाम मोहम्मद रख दिया, नहीं तो इकबाल रख दिया। ऐसे ऐसे सभी का सभी पूर्ण रूप से इसका मानसा यही था कि एक भी हिंदू कहीं नजर नहीं आना चाहिए, जहां भी आएंगे उसको कत्लेआम कर दिया जाएगा। ये इसका मानसा था। किसका? बख्तियार खिलजी का। और ये इसका खरीदा हुआ कसाई था। ये पहले क्या करता था? मुर्दों को काटा करता था। ये कसाई था, ये कहीं से शिकारी नहीं था, ये कसाई को भेजा था। और ये जहां भी हिंदू इसको दिखाई देते थे काटता था, वैसे ही मंदिर को तोड़ फाड़ करके वहां पे लूटपाट मचाना इसका काम था। और इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, समझे? जितने भी बिहार में और यूपी में जितने भी विश्वविद्यालय फेमस थे, उन सबको, मंदिरों को और विद्यालयों को तोड़ा। अयोध्या राम मंदिर को भी इसी ने भ्रष्ट किया था, लौंडा। यही था बख्तियार खिलजी। ध्यान से देखिएगा, अयोध्या राम मंदिर विवाद अभी सुनते हैं ना, इसी ने तोड़ा था। जो बाद में बबरा आकर के वहां पर मस्जिद बना दिया, थोड़ा सा टुकड़ा उकड़ा बचा हुआ था, तब बबरा आकर के क्या, क्योंकि मध्यकाल में देख लो केवल इस्लामी इस्लाम तो चला है, हिंदू चला कहाँ है? क्योंकि हिंदू आखिरी राजा कौन थे? जयचंद। युग राजा यही थे, यही खत्म हो गए। उसके बाद मध्यकाल में पूरा उठा के देख लो, कहीं भी एक राणा प्रताप को अगर माइनस कर दिया जाए तो बाकी कोई भी मध्यकाल में आपको काबिल नहीं मिलेगा शासक। और राणा प्रताप भी वहीं पे मवाड़े में बस छुप के रह गए थे, वो भी ज्यादा दूर तक निकले नहीं थे। लेकिन यूपी बिहार बंगाल तक इसका हाथ फैला हुआ था, गढ़वाल जयचंद का। बहुत पावरफुल आदमी था। अभी उसका इतिहास देखिएगा, उस पर हम स्पेशल वीडियो क्लिक करके आ रहे हैं, बस इंतजार कीजिए समय का। उसके बाद की कहानी ये होता है कि जयचंद को तो हत्या कर दिया गया, लेकिन इसकी भी मृत्यु हो गई। बोला जाता है ना, हर शेर का सवा शेर लगता है। तो जिधर से भी तबाही मचा करके चलता था, उधर से जिसको भी लूटा है, लूटपाट मचाया है, वो लोग बौखलाहट में थे। और उन लोगों ने ये काम यही किया कि खोखर जनजाति के लोगों ने इसकी घेर करके पंजाब प्रांत, जो आजकल केलम झेलम नदी के किनारे है, झेलम नदी के किनारे मतलब ये पाकिस्तान में, वर्तमान कहाँ है? पाकिस्तान में है, मुल्तान के पास। इसको घेर के वहीं पर रेत रेत के काट के मुंह दिया। किसको? गोरिया को। गोरिया को मुंह दिया। कब मुआया? तो 15 मार्च 1206 को। कहाँ पे? तो पंजाब में झेलम नदी के किनारे खोखर जनजाति के लोगों ने इसकी हत्या कर दिया था। ऐसे बताया जाता है कि इसके पूरे शरीर को 52 पार्ट में काटा हुआ था, ऐसे इतिहासकार दावा करते हैं। क्या सच्चाई है वो तो सब जगह पे ऐसा बात नहीं लिखा हुआ, काफी जगह पे लिखा है, काफी जगह पे नहीं लिखा है। लेकिन बहुत बुरी तरीके से काट के मुआया था इसको खोखर जनजाति के लोगों ने, क्योंकि वहां से काफी धन संपदा लूट करके काफी लोगों को कटवा दिया था। किससे? बख्तियार खिलजी है, कसैया से। यही बख्तियार खिलजी, इसका नाम भी सुनते हैं ना तो मूड गर्म हो जाता है। और देखो, ये तो चूंकि निर्वंशी था, लेकिन इसके वंशज में आवाज आओ, थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं। अब गोरी का विश्वसनीय, चूंकि ये क्या था? निर्वंशी था, वंशहीन था, नपुंसक था, ना मर्द था, ठीक है? जब ये जब कुछ नहीं होगा तो यही होगा। अब इसने 3 गुलाम खरीदा था। गुलाम तो इसे बहुत खरीदा था। इसे बोलता था कि पूरे जितने भी मुस्लिम धर्म के अपने मानने वाले लोग हैं, सब मेरे गुलाम हैं, और सब सबका मैं पापा हूँ। किसी के पापा तो बन नहीं पाए, लेकिन सबको अपना पापा मानता था, सबको अपना पुत्र मानता था। और हम क्या है? इसके सबके पापा है। और इसके पापा बनने में सफलता हासिल किया था। जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय अगर कोई था तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, क्योंकि पानी तराई के प्रथम युद्ध, तराई के द्वितीय युद्ध और चंदवार के युद्ध, ग्वालियर के युद्ध, इन तीनों युद्ध अगर जीता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक के वजह से जीता है। ये गोरी ने नहीं जीता है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीता है, समझे? गोरी क्या था? छक्का था। गोरी नहीं था मर्द, गोरी छक्का था। ये जीता था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जयचंद को भी मारा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही पृथ्वीराज चौहान को भी मारा, इसी ने मारा। और इसी ने गुलाम वंश की स्थापना भी किया था, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गोरी का गुलाम था। और यही गुलाम क्यों था, बल्कि द्वितीय मतलब उसके बाद जो इसका विश्वसनीय कोई शिष्य था, मतलब गुलाम विश्वसनीय, वो था नसरुद्दीन कुबाचा। नसरुद्दीन कुबाचा था जो सिंध और मुल्तान का सुल्तान बना। सिंध और मुल्तान कहाँ है? अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, ठीक है? तो वहां का ये क्या बन गया? शासक बन गया, क्योंकि ये गोरी के गुलाम था। मरने से पहले बांट करके बता दिया था कि आप कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग वहां पे, सभी जगह पे बस इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करते हैं, ना हिंदू दिखाई दे, बस काट डालना है, क्योंकि अल्लाह हमें फरमान दे करके हमें ये भिया अल जिहाद
अल जिहाद का मतलब सभी जगह अल्लाह ही अल्लाह, कोई और नहीं। अल जिहाद का नारा या आतंकवादी गतिविधियों से चोर चुहार डाकू की तरह आता रहा, लूटपाट मचाता रहा, मंदिर तोड़वाते रहा, हिंदू को दंडित करते रहा और जितने भी मस्जिद भारत में बने हैं उस सभी जगहों पे मंदिर हुआ करती थी। एक भी ऐसा मस्जिद नहीं है जहां पे पहले मंदिर नहीं हुआ करती थी। इन सभी मंदिरों को तोड़वाने वाला कोई और नहीं, गोरी था। और गोरी का गुलाम कौन था? बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी के बाद एक और है मुगलिया दुगलिया। और मुगलिया दुगलिया में एक औरंगजेब भी था जो रखता था हिंदुओं को अपने सेना में और हिंदुओं से हिंदू के मंदिर तोड़वाता था और वहां पे मस्जिद का निर्माण करवाता। जब आते हैं मुगलिया में तो बताएंगे कि मुगलिया भी कितने बड़े दुगलिया था, उसकी भी कहानी एक एक करके मैं आपको बताने वाला समझाने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पे देखिए तो नसरुद्दीन कुबाचा जो था सिंध का, सिंध प्रांत का, सिंध और मुल्तान का सुल्तान बना। फिर उसके बाद यल्दोज था, उसको गजनी बोला था ना मैंने कि गजनी का मोहम्मद गजनबी भारत पे 17 बार जो आक्रमण किया, लूटपाट मचाया, सोमेश्वरनाथ मंदिर को भी इस पे वीडियो स्पेशल बनाए हुए है, चोर डाकू करके उसका थंबनेल भी बना है, देख लीजिएगा जरा जान लीजिएगा, उसकी भी बखेड़िया उखाड़ रखे हैं। तो कहानी ये है कि यल्दोज गजनी का शासक बन गया और भारत का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक बन गया, नसरुद्दीन कुबाचा सिंध और मुल्तान का सुल्तान बन गया। लेकिन ये चूंकि इसका भतीजा एगो था नपुंसक नामर्द, नामर्द का भतीजा नमर्द न होगा, तो ये लौंडा जो था भतीजुआ इसका ग्यासुद्दीन महमूद नाम था इसका। क्या नाम था? ग्यासुद्दीन महमूद। ये प्योर नामर्द आदमी था। ये बोला कि हमसे ना हो पाएगा, हमसे शासन वासन ना चल पाएगा, हम अपना भारत उठा नहीं पाते हैं, इसीलिए ये अल्दोज को ही पूरे का पूरा मतलब वास्तविक पब्लिक वहां का चाहती थी कि नहीं, ग्यासुद्दीन जो है इसका भतीजा, गोरी का भतीजा, ये यल्दोज का सॉरी गजनी का शासक बने। लेकिन ये चाहता था कि नहीं यल्दोज बने, तो यल्दोज चुट्टा निकला। अब यल्दोज ये चाहता था कि जब इसका भतीजे मतलब गोरी का भतीजा हमको मान लिया कि हम यल्दोज गजनी का शासक बन सकते हैं, तो पूरे जितने भी गोरी ने साम्राज्य जीता है काहे ना हम इस सबका सुल्तान अपने स्वयं अपने आप में बन जाए। लेकिन सबका बाप इकलौता एक ही था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वो था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम तो गुलाम वंश की वजह से जाना जाता है, लेकिन बाबू इतिहास उलट के देखोगे तो आपको मालूम था कि गोरी तो कुछ नहीं था, गोरी काबिल आदमी नहीं था, गोरी वंशहीन था ना, मतलब हमको लगता है कि मर्दे नहीं था, नामर्द था, ठीक है। इसीलिए गुलाम शादी किया था 86 को, समझ लीजिएगा, शादी 86 को, लेकिन एक भी बच्चा नहीं हुआ, मतलब गलती। अब बताओ कि 86 शादी करने के बाद भी बच्चा पैदा नहीं कर सका, अब गलती उसमें था या बायोलॉजी के विद्यार्थी हो गए तब आपको समझ में आएगा। खैर ये चीज हमारा बायोलॉजी का विषय नहीं है, इतिहास का विषय है। आइए इतिहास पे हम यहाँ से फोकस आपका दिलाना चाहते हैं कि भतीजा इसका ग्यासुद्दीन महमूद जो था यल्दोज को चाहता था कि गजनी का शासक बन जाए और बना भी। अब यल्दोज ये चाहता था कि जब इसका भतीजा स्वयं हमको प्रमाण पत्र दे रहा है कि तुम राजा बनने लायक है तो बन जाऊं, तो कहे ना गजनी जितना साम्राज्य जीता सबका सब बन जाए। तो ये खुद को तुर्रम खान समझ के ये ऐबक से भिड़ गया। अब ऐबक चूंकि ना सिर्फ काबिल था, ताकतवर था, बल्कि दिमाग भी लगाना अच्छी तरह जानता था, बोला कि रे हम अपने में काय झगड़ा कर, देखो हिंदू में झगड़ा हो तो हिंदू कभी एक नहीं हो सकते हैं, लेकिन मुस्लिम एक ऐसा प्रजाति है जो आपसे में झगड़ा करेगा लेकिन कोई दूसरा आदमी बोले तो सब तलवार भरछ उठा लेगा, ये उसमें खास चीजें देखने को मिलती है। और यही यहाँ पे हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक में और यल्दोज में गर्दा युद्ध हुआ। कहाँ पे? सिंध प्रांत मुल्तान में हुआ, किसके? नसरुद्दीन कुबाचा के देख रेख में हुआ। अब नसरुद्दीन कुबाचा दोनों में किसी की तरफ से युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि ये चाहता था कि दोनों युद्ध सुलटा ले क्योंकि हम दोनों एक ही मालिक के गुलाम है। तो यल्दोज ने झगड़ा निपटा दिया और इसको एक कान में मंत्र फूंक दिया कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक चूंकि अपने आप में एक विद्वान भी व्यक्ति था तो इसको यही बताया कि रे झगड़ा झगड़ी करने से कुछ नहीं होगा, हमारा जो अल जिहाद का नारा है वह यहीं पे सीमित रह जाएगा, आपस में झगड़ा झगड़ी बंद करो और देखो यहाँ पे कि हम लोग विस्तारवादी नीति कैसे लगाएंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी चुट्टा वही निकला, इस सूरत देखो क्या कर दिया, ये चुट्टा जो निकला ये विवाह प्रक्रिया में बांध दिया, शादी विवाह करने लगा। कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं यल्दोज की पुत्री से विवाह कर ले, बाहर जिससे युद्ध किया उसी की बेटी से विवाह कर लिया और इससे झगड़ा निपटा लिया, ठीक है। फिर से कुबाचा की शादी करा दी अपनी बहन से, अपनी बहन का विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी बहन का विवाह किससे करा दिया? कुबाचा से। और इल्तुतमिश जो इसका खरीदा हुआ गुलाम सबसे अपने सेना में सबसे योग्य मेला लगता था, इसे जिस तरह मालगुर का मेला लगता है ना उसी तरह उस समय गुलामों का मेला लगता था, और अपने सबसे विश्वसनीय गुलाम खरीदा था जिसका नाम इल्तुतमिश था और वही मुल्तान का सुल्तान, इसको बता दिया था क्योंकि कुबाचा भी कामयाब आदमी नहीं था, यह भी उतना ज्यादा इसका इतिहास में कुछ ज्यादा बस ये
कुतुब गोरी के गुलाम होने का बस इतना ही, इसका इतिहास इससे ज्यादा इसका कोई भी नहीं है। तो मुल्तान का वहां पे गवर्नर बना दिया था ऐबक ने, और उससे इल्तुतमिश से अपनी बेटी की विवाह करा दिया, और इसी इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान है जो दिल्ली के गद्दी पे बैठने वाली भारत की प्रथम महिला शासिका है, समझे। तो कुल मिलाकर के कहानी हमारे गोरी साहब के बारे में बस इतना ही है। अब इसको आप लोग मर्द समझते हैं, और जितने भी इसके वंशज है, जितने भी पूरे लगभग हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों ही देश में जितने भी है, और इतना ही नहीं है अफगानिस्तान, ये सब के सब गोरी के वंशज है। और सब के सब क्या है, सब कौन है, तुर्क मुस्लिम है। सब का सब कौन है, तुर्क मुस्लिम सुन्नी है, सुन्नी है, सिया। और सुन्नी के बारे में भी हमने चर्चा किया है, जाइए नहीं देखें तो देखिए, वीडियो अवेलेबल है आपको प्लेलिस्ट में भी, या कहीं पे आई बटन जो आपको क्लिक करते हो वहां पर भी नजर आ जाएगा, या फिर जाकर के देखो ऑप्शन कैप्शन जहां पे हम लिखे हुए हैं वहां पर भी आप देखोगे तो ये सब वीडियो कहीं ना कहीं आपको, यह प्लेलिस्ट भी बनाया है मध्यकालीन इतिहास के नाम से, उसे भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो, जानकारी लो, आपका काम है। लेकिन इसके बाद जो हमारा बारी आ रहा है बाबू, अब गुलाम वंश लेके आएंगे, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने इतना जितना बताया ये काफी नहीं है, बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक वाकई शक्तिशाली। अगर गोरी को आज हम लोग जानते हैं, सब लोग जानता है, तो गोरी को जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुतुबुद्दीन ऐबक को जानना जरूरी है, क्योंकि जितने भी इसने भारत में युद्ध जीते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के वजह से जीते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ना सिर्फ तीरंदाजी जानता था, बल्कि तलवारबाजी भी बेहतर जानता था, घुड़सवारी भी उसकी जितना बेहतर कोई कर ही नहीं सकता है। और देखो दुर्भागा अभागा आदमी के घोड़े से गिर के उसकी मृत्यु भी हो गया, तो घोड़ा चलाने में माहिर था, हाथी की भी सवारी अच्छा खासा किया करता था। और इसी युद्ध में चंदवार के युद्ध में जब ये जयचंद को तीर मार करके आँख फोड़ दिया था, तो इसी युद्ध में जो ये सफेद हाथी पे सवार होकर आया था जयचंद, यही हथियार इसको गिफ्ट कर दिया था, कौन, गोरिया, गोरिया गिफ्ट कर दिया था किसको, ऐबक को, कि ले अब जी ले अपनी जिंदगी, ये आज से हाथी तेरा था। ये भी सफेद हाथी पर चला करता था, और एक बार में 300 हाथियों को साथ में, क्योंकि जब चंदवार का युद्ध हुआ था तो इसमें से लगभग 700 हाथी को कब्जिया लिया था, कौन, गोरी, क्योंकि सब ये युद्ध जीता था किसकी वजह से, ऐबक की वजह से। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलेंगे गुलाम वंश के साथ, तब तक आप लोग आजाद रहिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, दिस इज बीके मिश्रा, डू नॉट फॉरगेट मी, जय हिंद।